परफॉर्मेंसी से की वजह से जो है अभी जो ट्रायल हुआ उसमें सेलेक्ट हुए हैं। और श्री मेंबर्ट जो रेगुलरली सबसे ज़्यादा जिन्होंने J&K के लिए सॉफ्ट टेनिस गेम में मेडल लिए हुए, तो ये प्राउड वाली बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि ये तीनों बच्चे जो हैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। जी, खेलो इंडिया सेंटर, आपका खेलो इंडिया सेंटर से जो है तीन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब कितना फ़ायदा जो है स्पोर्ट्स में मिला है? बहुत फ़ायदा मिला है और ये आंकड़े ही बताते हैं कि जितने भी सेंटर्स हैं नॉट ओनली सॉफ्ट टेनिस से भी अभी जो बच्चे लोग इतनी बड़ी चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं जी, तो ऐसा सेंटर में जो ये सुविधाएं मिल रही हैं तो उसका तो फ़ायदा मिलता ही है और ये बहुत बढ़िया है बच्चों के फ्यूचर के लिए, बहुत बढ़िया है और सॉफ्ट टेनिस सेंटर का तो फ़ायदा हुआ है। एज ए कोच कितनी खुशी हो रही है कि बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, एज ए कोच परफॉर्मेंस जो है किस तरीके से है, आगे किस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे बच्चे? देखिए, एक कोच का ड्रीम होता है कि उसका बच्चा जो है वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करे और ख़ासकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर बच्चा सेलेक्ट होता है तो ये कोई ड्रीम फुलफिल होने वाली बात है और मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। अभी जो अभी ये स्टार्ट है हमारा और इतने बड़े टूर्नामेंट में इन बच्चों ने अपनी सिलेक्शन बनाई हुई है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये पिछले 7-8 साल से इनकी मेहनत है, रेगुलरली इन्होंने अपनी डेडिकेशन से जो अपना जो एक गेम की स्किल्स को ऊपर किया है और अभी जो जो इनका सिलेक्शन ट्रायल्स अहमदाबाद में हुए तो कल रात को जो लिस्ट निकली है तो हमारे तीन बच्चे जो हैं वो टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए हैं। ये बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होके जो जा रहे हैं तो मतलब जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का कितना यहाँ पे आपको सपोर्ट रहता है? देखिए, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का रोल है जो जो खेलो इंडिया सेंटर्स मिले हैं अभी, तो उसकी वजह से जो है हम दोनों हमारे सेशंस चलते हैं यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में और बच्चों को बढ़िया कोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड है यहाँ पे और कोचिज जो हैं प्रोवाइड हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ देखेंगे आप जो रैकेट गेम है तो इसमें बहुत कॉस्टली कोचिंग पड़ती है, बट यहाँ पर निशुल्क जो है बच्चों को जो एक ट्रायल बेस पे जो बच्चे सेलेक्टेड बच्चे हैं तो उनको एक प्रोफेशनल वे में जो है एक ट्रेनिंग मिलती है, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है जो खेलो इंडिया का है, प्रधानमंत्री जी का है और उसके जो रिजल्ट हैं सामने हैं कि ये जो तीन बच्चे मतलब जो सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे तो ये तो चैंपियनशिप जो है वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने देश का, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे, देश को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या कहेंगे कि क्या मैसेज रहेगा जो बाकी बच्चों उनके लिए? देखिए, जो कोई पर्सनल खुशी होती है वो तो चलो कि इंसान की व्यक्तिगत हो गई, लेकिन जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो तो वो खुशी पूरी कंट्री के लिए है। जब आप जिस जगह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो प्राउड मोमेंट है, पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि उनके बच्चे इतने बड़े मंच पर चाइना में जाके भारतीय टीम में जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे जो वहाँ पे जाके, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे आपके इनसे प्रेरित होके जो और बच्चे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से गेम में और डेडिकेशन दिखाएंगे और हमारी सॉफ्ट टेनिस की दुनिया में जो है ये बहुत बड़ा नाम कमाएंगे बच्चे आगे आने वाले टाइम में। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोहम है और मैं वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप के लिए U18 कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ हूँ। और तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से के रहने वाली है और आगे जाके किस तरीके की परफॉर्मेंस वो देने वाले? सर, हम प्रैक्टिस तो अभी बहुत इंटेंसली करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपनी गेम को लेके, जैसे कि रैकेट गेम है, बहुत इंटेंस गेम है, इसमें आपको स्टैमिना एंड्योरेंस की बहुत ज़रूरत होती है, एजिलिटी आपको क्विक होने चाहिए आप, तो मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं और देश के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करें। वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है जूनियर होने जा रही है सॉफ्ट टेनिस की, बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर आप सिलेक्ट हुए हैं, देश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो मतलब कि क्या कैसे ही आपकी प्रैक्टिस जहाँ पे रही है तो आगे जाके कैसे परफॉर्मेंस जो है वो दिखाएंगे? हम 4-5 साल से अपने इंदु सर के पास से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारी कर्म भूमि रह चुकी है, हम यहाँ पे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं शाम को 2-3 घंटा और अभी जैसे हमारा नाम आया लिस्ट में, इंदु सर हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं, हमें अब स्पेशल क्लासेस भी रख रहे हैं हमारे लिए, सुबह 8 बजे से अभी तक हम 11:30-12 बज गए अब, तो अभी तक हम खेल रहे हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी। तो हम खेलो इंडिया सेंटर है, आप खेलो इंडिया सेंटर से सिलेक्ट हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको स्टार्टअप किया है, कितना बूस्ट मिलता है बच्चों को उससे? यस सर, कि इससे बूस्ट तो बहुत मिलता है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे हम खेलना स्टार्ट करें, अपनी जर्नी की एक मार्गदर्शन मिलता है हमें, तो बहुत फ़ायदा हुआ हमें इस खेलो इंडिया स्कीम से। सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे U15 कैटेगरी के लिए, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहेंगे कि कैसा लग रहा है?
मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और ये सिर्फ इंदू सर की वजह से हम यहाँ पर पहुँच सके हैं, और पेरेंट्स की वजह से, उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम खेल नहीं पाते, और इंदू सर हम पे बहुत मतलब बहुत जान लगा रहे कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इंडिया के लिए मेडल्स लाएँ, तो बस मेडल लाने की कोशिश है। तो कैसी रही आपकी प्रैक्टिस, कैसी है, मतलब किस तरीके की प्रैक्टिस है कि आपकी जो आने जहाँ पे आप चाइना में जो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो देंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है, वहाँ पर किस तरीके की परफॉर्मेंस रहने वाली है? हमारी तो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग हो रही है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारी जो मतलब गलतियां उन पे हम बहुत काम कर रहे हैं कि वहाँ जाके हमारे से कोई गलतियां ना हो और वहाँ जाके हम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकें। काउंसिल के थ्रू हमें बहुत सी मतलब लाइक फैसिलिटीज़ मिल रही है, बहुत दो कोर्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, अच्छे कोचेज मिल रहे हैं, बस बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए मेडल निकालेंगे? हाँ, बहुत कोशिश रहेगी कि इंडिया का नाम रोशन करें। पेरिस ओलंपिक्स भी काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन हाँ। देखने को मिला है, 29 मेडल जो है भारत ने अपने नाम किए, तो यहाँ से श्रीमयी सोहम और हाँ जी, बहुत पूरी कोशिश करेंगे कि सिधानी जो है, सिधानी सिंह, वो भी यहाँ से जो है देश को रिप्रेजेंट, तो हम जम्मू के लोग जो हैं वो इंतजार करें कि मेडल हाँ जो है वो आने वाला है। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है वो प्लेयर हैं जम्मू कश्मीर के, जो कि सॉफ्ट टेनिस के प्लेयर हैं, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये कोड है, हम आपको बता दें, जहाँ पे ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और अब मेंटर यहाँ पे जो है कोच हैं, यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके की परफॉर्मेंस इन बच्चों की रहती है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि सॉफ्ट टेनिस की होने जा रही है। तो ये सारा जो हमने आपको अपडेट दिया, देखते रहे।